अरे सूर्य बेटा, फीस क्या है तुम्हारी? क्या फ्री में पढ़ने का इरादा है? सर फीस, सर फीस तो आज लाना भूल गया, कल पक्का ले आऊँगा। चलो फीस वीस तो आती जाती रहेगी, कल जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था उसे पढ़ो, और जो भी डाउट हो ना वो सब मिलके मुझसे पूछो, सजेस्ट करो। ठीक है सर। जी गुरुजी। अरे गुरुजी के बच्चे, थोड़ा पढ़ भी लिया कर। सर पढ़ ही तो रहे सर। अरे सूर्य भाई पढ़ ही तो रहे हैं। अरे तुम सब चुप भी करोगे, अब पढ़ने भी दोगे? हाँ यार चुप हो जाओ सबके सब, अब पढ़ भी लो। चुप हो जाओ सबके सब, अब पढ़ लो। हाँ बेटा तू ही पढ़ लियो, तू ही टॉप करेगी। और हाँ एक काम करियो, मेरे लिए भी पढ़ लियो। मेरे लिए भी प्लीज ना, मेरे लिए भी। तुम सारे चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? या मैं सर को बोलूं? Oh no! क्या आवाज आ रही है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सर ये सब ना मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा बेटा तुझे ही तो रोक रहे हैं सब, चुप करके पढ़ ले। सर आप सही कह रहे हो। ओह और कौन रहा है? तुम सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे पढ़ाई से तो याद आया, तुम सबका टेस्ट था ना? ओह नो। और तुम सब में से किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। अरे सर आज टेस्ट था क्या? आज टेस्ट था क्या? आज कोई टेस्ट था? हाँ हाँ बेटा टेस्ट था, मुझे अच्छे से याद है। चलो सब अपनी टेस्ट कॉपीज निकालो, 10 मिनट में सबका टेस्ट है। ओह नो। नो सर, नो सर, नो सर। सर प्लीज सर मत लो ना टेस्ट। नो सर? क्या मत लो टेस्ट? आज मैं तुम सबका टेस्ट लेकर रहूंगा। ओह नो। जल्दी से तैयारी कर लो। सर थोड़ा टाइम और दे दो ना प्लीज। यस सर, प्लीज सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्यार से पूछ रहे हैं ना सर, प्लीज सर। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी पढ़ो सब। ओके सर। चलो बच्चों टेस्ट स्टार्ट। हेलो। हाँ एक मिनट बच्चों, मैं 2 मिनट में आया। अरे गाइस मैंने सुना कि कल मैम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने वाली है स्कूल में। Yes! क्या बात कर रहा है भाई, सही में? फिर तो पक्का चलेंगे कल स्कूल। ओहो वो चैप्टर भी, क्या दिक्कत है यार, मैं तो ये सोच रही हूँ चैप्टर है ही क्यों। अरे यार कल मैं तो स्कूल आ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ताऊ के यहाँ जा रहा हूँ। ओह नो। ताऊ के घर? पर क्यों भाई? अरे यार कुछ नहीं, जो मेरे ताऊ है ना उनके गाय को एक बछड़ा हुआ है। भाई उससे तेरा क्या लेना देना है? अरे यार उसका नाम कर रहे हैं ना इसलिए बुलाया है। अरे गाइस ये सब छोड़ो, अभी क्लास में टेस्ट है, उससे कैसे निपटें? बच्चों मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जो तुम्हारा टेस्ट है वो कल होगा। The next morning. और प्राची क्या कर रही है तू? कुछ नहीं यार बस बोर हो रही हूँ। और जनता लोग कैसे हो सभी? कुछ नहीं यार, तू भी आ जा पीछे। हाँ? वो सब छोड़ो, आज पता है तुम लोगों को मैम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हैं? कुछ नहीं यार, सुनने में आया कि मैम वो वाला चैप्टर पढ़ाने वाली हैं। वो वाला कौन सा? मैं कुछ समझी नहीं। क्या यार तू भी ना भोंदू ही रहेगी। कभी तो सुन। हाँ बोल क्या हुआ? तुझे पता है मैम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली है? नहीं कौन सा? अरे वो वाला। वो वाला कौन सा? अरे वही वाला, मैं कुछ समझी नहीं यार। अरे रिप्रोडक्शन। क्या है? क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं गाइस। अरे भाई ये क्या बोल रही थी, रिप्रोडक्शन? हाँ यार सुना तो मैंने भी यही है। खैर तू वो सब छोड़, ये बता क्लास के बाकी बॉयज कहाँ हैं? भाई तुझे तो पता ही है सब बॉयज लेट ही आते हैं। चल ठीक है यार कोई नहीं, आते ही होंगे। अरे तुमने सुना उसने क्या कहा, आज मैम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगी। उसने ऐसा कब बोला? उसने उसने रिप्रोडक्शन बोला इसलिए तो मैं हैरान हुआ। बट उसके बोलने का मतलब तो वही था ना। अरे तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, मैम पढ़ाएंगी तो पढ़ लेंगे। अरे तुम सबको क्या पता, इस चैप्टर का तो मैं बेसब्री से इंतजार था। ओहो खैर छोड़ो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ।
आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा। पता है मुझे तुम्हें कौन सी पढ़ाई करते हैं, और वैसे भी आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम लोग पढ़ाई करोगे? क्यों, हम लोग पढ़ नहीं सकते क्या? आखिर हमें भी तो पछताना है। अगर क्लास में सोने वाले बच्चे पढ़ाई की बातें करेंगे तो क्या होगा? तो तुमने क्या फाड़ लिया रोज पढ़ाई कर कर? जो तुमने उखाड़ पाया वो उखाड़ लिया। छोड़ना यार, तू भी किसका मजाक बना है, इनका क्या पता इस बार टॉप कर ही ले, सही है क्या? नहीं। बताओ तुम सबको अभी। छोड़ना यार, तू भी इन सबके मुंह लग रहा है, चला बैठते। अरे हाँ यार, तू सही बोला, चलो यार बैठते हैं। A few moments later. Good morning, good morning. क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? Oh no. कुछ नहीं मैम, बस कुछ बात याद आ गई थी। Shut up. क्या हो रहा है ये सब, क्या शोर मचा रखा है मेरी क्लास में? कुछ नहीं मैम, डिस्कस कर रहे थे। हाँ पता है मुझे क्या डिस्कस कर रहे थे। Oh no. Sit down. Thank you ma'am. सभी अपने साइंस की बुक निकालो और चैप्टर नंबर 8 खोलो। Okay, ma'am. मैम मुझे तो ये चैप्टर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा मैम, वैसे ये कौन सा चैप्टर है? यस मैम, पेज नंबर ही बता दो। चैप्टर 8 देखो इंडेक्स में और निकालो। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट हाउ ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोड्यूस। दैट मींस, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑल द थिंग्स। ओके ओके मैम। क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आया? मैम आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। मैडम एक बार फिर समझा दो प्लीज। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। नहीं मैम, समझ नहीं आया। हाँ मैम वो सही बोल रहा है, एक बार हिंदी में बता दो ना। ठीक है, सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब भी मजा आएगा ना बड़ू। चुप करो सब, ये क्या शोर मचा रखा है सबने? हाँ मैम, हम लोग तो ये बोल रहे थे कि आप समझ में आया आप किस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैम इन सबका हो गया तो पढ़ाई स्टार्ट करें। हाँ मैं भी कब से वही देख रही हूँ, सबकी बकवास हो गई है तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करें। मैम आप पढ़ाओ, ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। यस मैम। सो बेसिकली द प्रोसेस इज वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नहीं मैम समझ नहीं आया, हिंदी में बताओ। क्या यार, डिस्टर्ब मत करो तुम लोग, पढ़ने दो। यस मैम, इन सबको चुप करवा दो। अच्छा तो अभी ये भी बोली। तो वो कौन सी गूंगी है? हो गई बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, अब शांति से बैठ जा। मैम हम कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए बार बार डिटेल में पूछ रहे हैं। उफ, कितना बोलते हो यार तुम सब। हाँ ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रही थी कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट वॉज ईजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अंडरस्टूड? यार आज ये लड़के पढ़ने नहीं देंगे। सही कह रही है यार तू। क्या हो रहा है पीछे, तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो ऐसा? मैम आपसे एक डाउट पूछना है। अरे पहले पढ़ाई तो स्टार्ट करने दो, उसके बाद डाउट पूछ लेना। मैम बता दो ना बेचारे को, पता नहीं क्या डाउट है। अच्छा ठीक है, पूछो क्या डाउट है, क्या पूछना है तुमको? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस? यस मैम, हमारा यही क्वेश्चन है। साइलेंस, ये डाउट है तुम्हारा? यस मैम, मुझे पता नहीं है कि होता क्या है। यस मैम, मुझे नहीं पता। ओके ठीक है चलो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। सब चुप हो जाओ ठीक है, वरना मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। हाँ तो मैं क्या पढ़ा रही थी कि बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। ओके तो मैम बच्चे कैसे होते हैं? ये कैसा सवाल है, मतलब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही होंगे ना? मैम वो तो ठीक है, बच्चे होते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं? देखो तुम लोग ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है मैम, ज्यादा कहाँ बोला, जो डाउट था वही तो पूछा। ठीक है तुमको इतना ही जानना है ना, तो सुनो। ठीक है, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है बच्चे तब होते हैं। ठीक है मैडम, बच्चे पैदा करने के लिए शादी जरूरी है क्या? Yeah! तुम सबका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है अब मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। Oh, no! मैम आप नहीं पढ़ाओगे तो फिर हमें कौन पढ़ाएगा? तुम सबको राज सर पढ़ाएंगे, पीटी सर, अभी उन्हें भेजती हूँ, रुको।
What the fuck? क्या राज सर आ रहे हैं? अब क्या होगा हमारा? राज सर आने वाले हैं क्लास में अब. What? अब क्या होगा? कुछ नहीं. राज सर के आने से पहले भाग चलते हैं. चलो. Run. Hey everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए. Celebrity Face के back to back new web series आ रही है. School के best days आ चुका है. Father and son की story आ रही है. मेरी एक already running है. 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं. और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की. यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो. बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें. हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते. हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में. सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है एक्टिंग में आना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में. स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से. फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ. मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में. ऑल द बेस्ट गाइस. सी यू ऑल. थैंक यू.